शेख का एक दफा ये हुआ था, शेख के पे सजदा सहू करना भूल गया, लेकिन उसके फौरन बाद शेख मुझे याद है, याद नहीं आया। मैंने भाई ने कहा कि मैंने एक शेख मर्तबा वो एक नमाज पढ़ रहे थे, सजदे सहू वो भूल गए थे। उसके बाद मैंने सुन्नत पढ़ ली, तो दूसरी नमाज बीच में आ गई, तो मैं सजदा सहू अगर मुझे करना है, टाइम है, तो मैं करूंगा, तो कर अगर सकता मैं नहीं देखिए करूंगा? देखिए अगर आप मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और आपको याद आ गया कि आप सजदे सहू करना भूल गए थे, तो आप सजदे सहू कर लीजिए। लेकिन अगर लंबा फासला हो गया है, फासले का मतलब आप मस्जिद से निकल गए, घर चले गए, रास्ते में हैं, आपको याद आया, तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फासला नहीं हुआ है, आप मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, तो आप कर लीजिए, चेक अगर बीच में नमाज पढ़ ली मैंने दूसरी। कोई कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई हर्ज बीच में नमाज पढ़ने से कोई हर्ज की बात नहीं है। बस इनकिता ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा इनकिता की बहुत सारे उलमा ने ये डिफिनेशन किया है कि आप मस्जिद के अंदर मौजूद हैं जब तक, तब तक कर लीजिए। अगर आप वहां से चले गए हैं तो फिर करने की जरूरत नहीं है।